हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज क्लास 7th एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 हम लोग करने जा रहे हैं। अब तक जो है इसमें एटमॉस्फेयर के बारे में या स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है उनको हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा वेदर की ओर जा रहे हैं, मतलब अब हम थोड़ा सा जो है विंड सिस्टम और मॉइस्चर कंडेंसेशन एवोपरेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए ये आपको मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह जो है मिलने वाला है। सो और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो है इंडियाज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी टेस्ट सीरीज जो है अब आपको मिल रही है अनअकैडमी पर। जो लगभग 80 टेस्ट मिल जाएंगे आपको एक साल में, और ये टेस्ट सारे अवेल कर सकते हैं आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से। और ये ऑफर 30 जून को जो है एंड हो रहा है। ठीक है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के दौरान आप इस डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं SGYT10। और नए बैच जो प्रारंभ हो रहे हैं 23rd of June से हो रहे हैं। सारी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं SGYT10। कल तक की क्लास में हम लोग यदि बात करें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर गैसेस का जो भी हमने फीचर्स देखे वो सब कुछ समझ लिए थे। आज हम लोग लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद वेदर, क्लाइमेट, टेम्परेचर, इंसुलेशन, एयर प्रेशर, विंड सिस्टम, परमानेंट विंड क्या होती है, सीजनल विंड क्या होती है, लोकल विंड्स क्या होती है, मॉइस्चर, वाटर ड्रॉपलेट, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, चीजें बहुत बेहतर लेवल से कनेक्ट करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो कल वाली क्लास जिन्होंने भी याद देख ली होगी उनको ये सब कुछ पता होगा कैसे CO2 वगैरह जो है ग्रीन हाउस गैस की तरह काम कर रहा है, और ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब क्या है सर, दो तीन चीजें हैं जिससे आप बहुत ही अच्छे से कनेक्टिविटी बनाएं। जैसे अक्सर ना आप सुनते हैं कि वेदर और क्लाइमेट है ना, वेदर और क्लाइमेट का मतलब आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि वेदर का मतलब यहाँ पर वो बोलना चाह रहा है कि मौसम, ठीक है, और क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। अब आप हिंदी में कभी कई बार बोलते हो कि आज का मौसम कैसा है, तो वो वेदर ही होता है ना, मतलब ये नहीं कहते हो कि आज की जलवायु कैसी है, नहीं सर वो बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो एक्चुअल में क्लाइमेट है। लेकिन इंग्लिश में जब आप बोल रहे होते हो तो उल्टा बोल जाते हैं, आज का वेदर की जगह ज्यादातर आप बोल देते हो यार आज का क्लाइमेट ऐसा है। एक्चुअल में थोड़ा ध्यान देना होगा आपको कि जो चीज रोज चेंज होती है, आज मान लीजिए आवर टू आवर है ना, शाम को कुछ टेम्परेचर हो गया, सुबह कुछ टेम्परेचर था, सुबह बारिश हो रही थी शाम को बंद हो गई, तो ये सब चीजें क्या है, ये वेदर है। वेदर इज आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन है ना। तो सही बोलना क्या होगा कि आज का मौसम क्या है और आज का वेदर क्या है। और क्लाइमेट सर, क्लाइमेट जो है ना वो अपने आप में आप ये कह सकते हो कि एवरेज वेदर कंडीशन है, एक लंबे समय की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि साल भर में इंडिया में 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एवरेज रहा, ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने लिया, तो ये क्या है, ये क्लाइमेट की तरफ जा रहा हो, एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, तो आप वो एक दिन में तो डिसाइड नहीं कर पाओगे है ना। तो क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है, ठीक है, जो आप एवरेज लगाते हो किसी जगह का। तो अब बोलते हो ना कि आज का क्लाइमेट, तो आज का क्लाइमेट नहीं होता है सर है ना, एवरेज लीजिएगा तो आज का वेदर बोलेंगे आज के वाला आप। ठीक है, तो वेदर जो है वो ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है डे टू डे में, क्लाइमेट में समय लगेगा, एवरेज चीजें आप उसमें पढ़ते हो। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लेते हो, टेम्परेचर में सिंपल सी बात है कि भाई जो एटमोसफियर में हम डे टू डे डिग्री ऑफ हॉटनेस को महसूस करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जिसको आप कहते हो भाई टेम्परेचर मतलब ज्यादा हो गया कम हो गया, तो वो गर्म होना और ठंडा होना ही जो है वो अपने आप में टेम्परेचर है। तो कितना डिग्री जो है गर्म हो रहा है या कितना कम हो रहा है, मतलब एक यूनिट के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग बात करें तो वो टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, कहाँ से आया भाई टेम्परेचर, मतलब ऐसे कैसे आ गया, तो बेसिक चीज निकल के आई, दैट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन जो है मतलब इंसुलेशन सिंपल सी बात है, द हीट एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम द सन, सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा को हम सूर्य ताप कहते हैं, सूर्य ताप है ये। अब यही जो है टेम्परेचर के लिए भी इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बन जाने वाला है। ठीक है, या आप ऐसा नॉर्मली कह सकते हो कि इंसुलेशन जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सन से जो ऊर्जा आ रही है जो अर्थ पे आकर गिर रही है, एक तरह से पहुंच रही है, उसको हम इंसुलेशन कह रहे हैं। अब उसमें एक बेसिक चीज आप अक्सर सुनते हो कि ये इक्वेटर वाला एरिया है, भाई जहां सनलाइट पहुंच रहा है यहाँ इंटेंसिटी इसकी ज्यादा रहेगी, इधर एंगल जो है कंपेरेटिवली क्या हो गया और ज्यादा कम हो गया, तो जितना एंगल कम होता है उतना ये लाइट फैलता है, तिरछी किरणें हो गई ना ऐसी। अब ज्यादा फैलेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मींस क्या हुआ, मींस ये हुआ कि पोल की तरफ कोई जाएगा तो इंसुलेशन जो है, ध्यान रखना, पोल की तरफ बढ़ने पर इंसुलेशन जो है सूर्य ताप जो है वो कम हो जाता है, इक्वेटर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ने पर ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी चाहिए। तो इसमें वही समझाने का प्रयास कर रहा है, द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स,
देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर. ये अपने को याद रखना है, ठीक है. मतलब क्या, इंसुलेशन कम होता है इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर, इसलिए टेम्परेचर भी जनरली जो है ऊपर की तरफ जैसे जाओगे तो कम ही होगा, ठीक है. मतलब कल को ऐसा स्टेटमेंट बना दे कि हायर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर, तो गलत. हायर द लैटिट्यूड हायर द इंसुलेशन, गलत. लोअर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर इंसुलेशन, जी. जितना नीचे आओगे, लोअर लैटिट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वैल्यू को ऊपर आप छोड़ दिए, 90 डिग्री ऊपर होता है. नीचे की तरफ आओगे, लोअर लैटिट्यूड मीन्स जीरो की तरफ आ रहे हैं, इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है. और ये सनलाइट के अकॉर्डिंग आप इस चीज को देख सकते हैं. यदि अर्थ हमारा रेक्टेंगल होता ना सर ऐसे, तो भी पॉसिबिलिटी ये थी कि फिर हर जगह इक्वल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन पहुंचता, बट ये स्फेरिसिटी के कारण भी ऐसा कुछ देखने को मिल जा रहा है, ठीक है. बाकी तो आप पता ही है कि अर्थ का क्लास 6 की एनसीईआरटी आपने देखी होगी कि रिवॉल्यूशन के दौरान किस तरह से चेंजेस होते हैं. बाकी कुछ ये ऐसे मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा. हालांकि अभी मैं बताऊंगा ये विंड सिस्टम क्या है, ठीक है. तो देखना, ध्यान से सुनना. अब इन्होंने थोड़ा सा वेदर क्लाइमेट वगैरह का बताने के बाद ये धीरे से एयर प्रेशर पे आ जाते हैं. अब एयर प्रेशर पे इसलिए आते हैं, एयर प्रेशर पे ये इसलिए आ जाते हैं ताकि जो है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि विंड को पढ़ पाए. एयर प्रेशर इसलिए पढ़ा जाता है ताकि विंड को समझ पाए, है ना. अब विंड को क्यों ऐसा समझ, मैं दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कुछ नहीं है, सिंपल. यदि किसी जगह में एयर जो है मूव नहीं कर रही है, ऐसी बैठी हुई है मतलब, ठीक है, तो दैट इज योर एयर, सिंपल. हवा यदि एक जगह है तो इसमें मूवमेंट होने लगे, फ्लो करने लगेगी, तो यह विंड हो जाएगी. मीन्स क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि एयर जब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे सरफेस के पैरेलल, सरफेस धरती के, ये जो धरती है सरफेस के पैरेलल, हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं. ये ऊपर यदि उठ रही है तो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, दिस इज वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. तो एयर जो है हॉरिजॉन्टल जब मूव करने लगेगी उसको आप विंड कहोगे. मतलब हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस, कल भी पढ़ा था हमने. तो ये जो मिक्सचर ऑफ गैस है, गैसों का जो समूह, यदि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने लगेगा तो विंड होने लगेगी, ठीक है. अब इसको आप एयर प्रेशर से ही समझ पाओगे. तो भाई प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किसी भी जगह पे लगा हुआ किसी वस्तु का दाब एक तरह से. मतलब क्या, जैसे मान लीजिए, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ कि ये मार्कर है, ये इस हाथ पे आ रहा है, तो इट मींस दैट ये अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. सेम कहानी है, धरती पर हवा लगेगी, धरती पर हवा आ रही है, इट मींस दैट वो हाई प्रेशर बना रही है. उस धरती से हवा दूर जा रही है तो वो लो प्रेशर बना रही है. लेकिन सर जैसे अभी आपने बोल दिया हमें कि धरती पर हवा एयर जो है आ रही है, सिंक हो रही है, तो आप कह रहे हो हाई प्रेशर है, और हवा दूर जा रही है तो आप कहोगे लो प्रेशर, क्योंकि उसकी प्रेजेंस खत्म हो गई. बट ये दूर और पास क्यों आती है, जनरली टेम्परेचर के कारण कह सकते हो कि टेम्परेचर मान लो आपने गर्म कर दिया ज्यादा, यहाँ ज्यादा गर्मी हो गई, तो हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ गई, हवा चली गई ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, तो यहाँ लो प्रेशर बन गया. अब मान लो भाई ठंडी जगह है पोल, अब पोल पर ठंडी जगह है, हवा भी ठंडी रहेगी, ठंडी हवा नीचे बैठने का प्रयास करेगी, तो नीचे बैठेगी तो क्या बन जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा. प्रेजेंस किसी चीज की यदि होती है तो प्रेशर होता है, नहीं होगी तो नहीं होगा, सिंपल. तो वही बात आपको कहना चाह रहा है. देखो उसने डिफाइन कैसे किया कि भाई एयर का जो प्रेशर है वो है क्या, कि द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर, ठीक है. अब वेट ऑफ मतलब हवा का जो भी वेट है वो जब किसी अर्थ सरफेस पे आएगा तो उसको प्रेशर कहोगे. क्लियर हो गई बात. अब जितना आप ऊपर जाते जाओगे प्रेशर ओवरऑल कम ही होता चला जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी के कारण सारी गैसेस नीचे हैं, सारी गैसेस नीचे हैं तो उनका प्रेजेंस नीचे ज्यादा मिलेगा, ऐसा, ठीक है. आ गई बात सुन. दूसरी बात, जनरली यदि आप देखोगे तो सागर पर जनरली ये हाईएस्ट जो होता है प्रेशर सबसे ज्यादा सी लेवल पे होता है, बिल्कुल एक जैसा लेवल है सबसे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा बना रहेगा एयर का. अब कहीं माउंटेन वगैरह प्लेट्यू वगैरह है तो ऊपर नीचे में डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाता है, तो आप सी में समझ सकते हैं कि सागर में सबसे ज्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलता है, ठीक है. अब जैसे इसमें देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है, और मैं यही आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा था. क्या कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे टेम्परेचर हाई है, ठीक है, टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी. हवा गर्म होने के बाद क्या होगी, गर्म होने के बाद उठ जाएगी, राइजेस. अब इससे क्या होगा, ऊपर उठ गई तो इट विल क्रिएट लो प्रेशर सिस्टम, नीचे जमीन पे लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है. आ गई बात समझ. अब इससे क्या होगा बताऊंगा आपको मैं, उसका अपोजिट देखो. किसी जगह पे टेम्परेचर जो है लो हो गया मान लो, तो
हवा जो है वो ठंडी होने के बाद हवा कोल्ड हो गई, हवा हैवी हो जाएगी। देखो बेसिक चीजें ही निकलेंगी। 11th में कोई नहीं समझा रहा आपको ऐसी एनसीईआरटी में, कक्षा 11वीं में कुछ नहीं लिखा रहेगा, क्लास 7th में छोटी छोटी चीजें, और यही इस एनसीईआरटी को हम ऐसे ही मिस कर देते हैं कि अरे चलो 6th के बाद डायरेक्ट में 11th पढ़ लूंगा। अब आप देखिए कि कुछ चीजें आप यही समझोगे प्रॉपर, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगता है, 15-20 मिनट लगता है आप एटलीस्ट उस चीज को समझें, क्योंकि ये दिमाग में एक बार बैठ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हवा यदि ठंडी होगी, कोल्ड होगी, तो ठंडी हवा जो है वो नीचे बैठने का प्रयास करेगी, तो इट इज देयर फॉर हैवी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नीचे बैठेगी मतलब धरती पर आएगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर बनाएगी, तो हैवी एयर सिंक क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दो दो लाइन का मतलब मैं आपको बताऊंगा, बहुत काम का है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब तक इन्होंने ये समझाया कि टेम्परेचर ज्यादा है तो हवा ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर बन जाएगा, टेम्परेचर कम है तो ये हवा नीचे बैठ जाएगी ठंडी होके, सिंक होके, और ये इट विल क्रिएट हाई प्रेशर। अब टेम्परेचर लो है, ध्यान से सुनना, टेम्परेचर ज्यादा है, हाई है, तो हीट अप हुई है, गर्म हुई, और गर्म होने के बाद ऊपर उठी, यार ऊपर आएगी वाटर वेपर, यदि बन के ऊपर चले गए, क्लाउड बनेंगे ना ऊपर, बादल तो ऊपर ही बनते हैं, बारिश होने लगेगी। लेकिन जब भी हवा नीचे आती है, ऐसे जब नीचे आ रही है, तो फिर क्लाउड नीचे थोड़ी बनेगा, क्लाउड हमेशा ऊपर बनता है। तो जब भी एयर नीचे आती है ना, तब रेनफॉल नहीं होता, ध्यान रखना। तो देखो इसमें कितनी बढ़िया चीज लिखी हुई है, क्या ये एग्जाम में आते हैं ऐसे पॉइंट, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई वेट वेदर। मतलब क्या, यदि हवा ऊपर उठ रही है तो लो प्रेशर बनेगा नीचे, और ये ऊपर जाके क्लाउड बनाएगा और बारिश होगी, यही तो लिख रहा है क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। लेकिन दूसरा अपोजिट क्या कह रहा है कि यदि हवा ठंडी होकर नीचे बैठेगी, नीचे बैठेगी, तो अब नीचे बैठने पे क्या होगा, नीचे बैठने पे होगा कि क्लाउड तो बनने से रहा, कोई क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अब क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इट मीन्स दैट अब आप समझ गए कि डेफिनेटली द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर, मतलब नॉर्मली यदि आप बात करोगे तो ये वाला जो पैटर्न देखोगे आपकी, हाई प्रेशर जो है इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। क्लियर एंड सनी स्काई समझ गए, क्लियर एंड सनी स्काई मतलब अब कोई क्लाउड बना ही नहीं। अब अगली लाइन डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी जगह पे हाई प्रेशर है, किसी जगह लो प्रेशर है, मतलब लो प्रेशर इन द सेंस कि यहाँ हवा है नहीं। ठीक है, मतलब यदि आप देखोगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या लिख रहा हूं मैं, इधर देखो, यदि हाई प्रेशर है और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो इसका मतलब समझ गए आप कि यहां से हवा जा रही है और यहाँ हवा आ रही है। अब लो प्रेशर जो है मतलब क्या, यहाँ हवा है नहीं, एक्चुअली फील करो इस चीज को, प्रेशर वहां कम है मतलब वो है ही नहीं, हाई प्रेशर मतलब यहाँ हवा ज्यादा है। अब क्या होगा, हाई से लो की तरफ विंड, क्योंकि खाली जगह थोड़ी छोड़ेगी हवा अपने आप में, बैलेंस करने का प्रयास करेगी, तो हाई से लो की तरफ एयर भागेगी, इसी एयर के भागने को हम विंड कहने लगते हैं। तो विंड एक्चुअल में क्या है, विंड कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो एयर है हाई से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, उसको ही हम लोग विंड कहेंगे। जी हाँ, तो मूवमेंट ऑफ एयर डायरेक्टली डिपेंड करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब जनरली हम अर्थ पे देखेंगे कि कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो हाई प्रेशर होता है, इक्वेटर वाले एरियाज में लो प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ये सब आगे हम पढ़ेंगे के रीजन इनके, बट आप देखेंगे एरोस तो हाई से लो की तरफ विंड सिस्टम आपको चलते हुए दिखाई देता है। तो हमेशा याद रखेंगे आप कि विंड जो होती है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। अब हाई प्रेशर और लो प्रेशर रटना मत मेरी इस क्लास में, हाई प्रेशर मतलब वहां हवा है और लो प्रेशर मतलब वहां हवा नहीं है, तो हाई से ज्यादा से कम की तरफ विंड चलेगी और उसी एयर के मूवमेंट को हम विंड कह रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब तीन टाइप के आप विंड पढ़ते हो भैया, एक परमानेंट विंड पढ़ते हो, परमानेंट से समझ में आ रहा है स्थायी पवने, जो कि ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होती हैं। अब ये क्या होती हैं तो ये आपको आगे ही समझ में आएंगी, अभी सिर्फ नाम आप समझ लीजिए, जो ईस्ट से चलती हैं वो ईस्टर्लीज होती हैं, जो वेस्ट से चलती हैं वो वेस्टर्लीज होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम में देखेंगे 30 डिग्री तक के इतने क्षेत्रों में विंड ईस्ट से चलती है, तो इनको ईस्टर्ली बोला जाता है, ईस्टर्ली इतने हिस्सों में चलती है पृथ्वी के, ऊपर वाले हिस्सों में जरा आओगे 60 डिग्री में तो वेस्ट वाली विंड चलने लगती है। क्यों चलती है प्रॉपर इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी नॉर्मली याद रखें कि ये विंड परमानेंट विंड्स में आती है। परमानेंट मतलब जो लगभग साल भर एक जैसे डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। कुछ सीजनल विंड्स होती हैं, सीजनल विंड जो मतलब सीजन के अनुसार अपनी जो विंड की डायरेक्शन है वो बदल लिया, जैसे जून जुलाई में हर साल मानसून आ जाता है, तो मानसून कोई सीजन नहीं है, मानसून अपने आप में विंड है, वो विंड जो है वो पर्टिकुलर एक सीजन में एक्टिव हो रही है। तो मतलब ऐसी विंड जो सीजन के अनुसार, मौसमी पवने, मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदल ले, मानसून एग्जाम्पल है उसका। मतलब क्या, तीन टाइप की विंड पढ़ रहे हैं हम लोग, परमानेंट विंड,
सीजनल विंड, परमानेंट ईस्टर्ली वेस्टर्ली पोलर ईस्टर्लीज होती हैं, ये पूर्वा पवने पछुआ पवने जिनको हम कहते हैं, बट ये क्या होती हैं आगे अगली क्लासेस में आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड सिस्टम चलता है हमारा। सीजनल विंड मतलब जो सीजन के अनुसार जो है चेंज हो जाए, लोकल विंड मतलब किसी प्लेस पर टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो गया तो वहां लोकली चलने लगी, जैसे किसी कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारे जो है जो हवाएं चलने लगती हैं, समुद्र के किनारे हवाएं चलने लगी, ठीक है, या हमारे भारत में गर्मियों में जो लू विंड चलने लगती है, ये क्या है सब लोकल विंड, इनमें कोई ग्लोबल लेवल्स की बातें करनी नहीं है, लोकल लेवल पे प्रेशर चेंज हो गया, हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम बन गए और जो है विंड चलना जो है शुरू हो जाएंगे। तो ये इन्होंने सिर्फ अभी बेसिक वर्ड बताया कि व्हाट इज विंड एंड टाइप्स ऑफ विंड, कैसे डेवलप हो रही है विंड, नो डाउट आगे आने वाली क्लासेस के हिस्से होंगे। आगे मॉइस्चर के बारे में थोड़ा सा इन्होंने चर्चा किया है कि भाई नॉर्मल सी बात है कि जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो एवोपरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, इससे क्या हुआ, कुछ नहीं होता। आपको बचपन में आपने देखा होगा कि लिक्विड जो है यदि इसको हीट दे दी जाए, जी हाँ, जैसे वाटर ही ले लो आप, ओशियन ले लो, सनलाइट से एनर्जी मिलने के बाद इसका फेस बदलता है, गैस में चली जाती है, वाटर वेपर बन जाते हैं। तो वही बात करना चाह रहा है क्या कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम, मतलब क्या कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो उस हवा में जो भी मॉइस्चर होगा जो वाटर वेपर के रिस्पेक्ट में गया है उसको आप ह्यूमिडिटी कहोगे। भाई ह्यूमिडिटी आर्द्रता क्या है, आर्द्रता यही होती है ना कि इस हवा के क्षेत्र में, इस रूम में कितना वाटर का मॉलिक्यूल है, कितना वाटर वेपर है मॉलिक्यूल। अब मॉइस्चर के लिए मुझे वाटर वेपर यूज करना चाहिए क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है। तो किसी क्षेत्र में किसी टाइम पीरियड पर हवा में कितनी नमी है, कितनी मॉइस्चर है, कितना वाटर ड्रॉपलेट, आप ड्रॉपलेट तो नहीं कहोगे, वाटर वेपर कहोगे, ड्रॉपलेट तो बनेगा वो ऊपर जाकर। तो अब समझ में आ गई बात कि मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वो भी जो है मॉइस्चर कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये सर ये लाइन इतनी ज्यादा काम की है कि शायद 11th क्लास में भी नहीं मिलेगी आप। मतलब सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमेशा याद रखना इन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जब भी ज्यादा होता है ना किसी एयर का, ध्यान रखना हवा में, जैसे गर्मियों के दौरान हवा गर्म है तो इसकी ना कैपेसिटी बहुत होती है एयर को होल्ड करने की, वाटर वेपर को होल्ड करने की, ठीक है। क्या बोला मैंने इसको ध्यान से समझना, ये एयर है इसमें वाटर वेपर को लाना है, ठीक है, ये आपका दिमाग है, ठीक है, ये हमारी बुद्धि है मान लीजिए, इसमें कितना ज्योग्राफी जाएगा ये इसकी कैपेसिटी है ना सर, हर चीज की अपनी कैपेसिटी होती है, वैसे एयर की भी अपनी कैपेसिटी है कि वो वाटर वेपर, क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, अब उसको वाटर वेपर भी लाना है, मॉइस्चर भी लेकर आना है, तो उसकी कुछ कैपेसिटी होती है ना। तो यही समझाना चाह रहा है कि ये जो कैपेसिटी है, जैसे इस बुद्धि को, जी हाँ, इस बुद्धि को बेहतर हेल्दी डाइट से बढ़ाया जा सकता है इसकी कैपेसिटी को, वैसे ही इस एयर की कैपेसिटी को आप टेम्परेचर से बढ़ा सकते हो। मतलब क्या, देखिए पढ़िए आप इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज द एयर गेट्स वार्मर, हवा जैसे ही गर्म होगी, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर, वाटर वेपर को होल्ड करने की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी, उसका जो सामर्थ्य है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड। अब भाई जितनी कैपेसिटी है वो और वाटर वेपर लेती रहेगी गर्मियों में, ठंड में क्या होता है, ठंड में टेम्परेचर कम है तो कैपेसिटी इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए वाटर वेपर ले नहीं पाती है। अब वाटर वेपर ले नहीं पाएगी तो आप देखते हो कि ठंड में ड्राइनेस बनी रहती है, फिर आप अलग से मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं। तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि सर कैपेसिटी टेम्परेचर पे जो है बढ़ जाती है, बढ़ जाने से मेरा मतलब ऐसे समझ लेना कि वो उतना वाटर वेपर के प्रेशर को हैंडल कर सकती है, लेकिन उतनी टेम्परेचर कम होने में कम हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। होप समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है यार, एयर है, एयर का हवा का क्षेत्र, उसमें कोई चीज एक्स्ट्रा आपको एडिशन करनी तो उसकी कुछ क्षमता तो होगी ना, तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्षमता बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है तो क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। अब वाटर ड्रॉपलेट कब बनेगा, तो कुछ नहीं है, वाटर वेपर जो है उठेगा ऊपर, राइज करेगा, आपको पता है ये जो गैस फॉर्म आपने कन्वर्ट कर लिया था ना, जब ऊपर जाएगा तो इसका टेम्परेचर वापस कम हो जाएगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा था इसलिए तो गैस में चले गए, अब ऊपर जाके तो टेम्परेचर कम होना ही है, ऊपर गैस इतनी ज्यादा है नहीं, टेम्परेचर जब कम होगा स्टार्ट कूलिंग, वाटर वेपर आपका कंडेंस होने लगेगा, संघनन होने लगेगा, मतलब क्या, वापस आप गैस से लिक्विड की तरफ जाने लगोगे,
गैसियस पार्टिकल से आप लिक्विड की तरफ जाने लगोगे, और जैसे ही आप गैस से लिक्विड की तरफ जाओगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट आपका जो है बनने लगेगा, और वाटर ड्रॉपलेट के बाद में आप उसको बोलोगे कंडेंसेशन हो गया। वाटर ड्रॉपलेट की उसी ग्रुप को हम क्लाउड भी बोल देते हैं, हजारों लाखों पानी की बूंदों का एक समूह क्लाउड हो जाता है, मेघ हो जाता है, और जब ये नीचे आने लगता है तो उसको आप प्रेसिपिटेशन कहने लगते हो। सिंपल मतलब क्या हुई प्रोसेस, सबसे पहले नीचे थे आप, टेम्परेचर दिया आपने, टेम्परेचर दिया तो ये जो वाटर था ये गैस में कन्वर्ट हुआ एज अ वेपर, एज अ वेपर। अब गैस में कन्वर्ट तो हो गया, गैस में तभी कन्वर्ट हो पाएगा जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, एयर की कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी भाई, तभी तो ले पाएगा। ऊपर गए, टेम्परेचर कम हो गया, कूल डाउन हो गई हवा, ठंडी हवा होने के बाद ये क्या हो गया, वापस गैस से किस में चला गया, लिक्विड में चला गया, वाटर ड्रॉपलेट बन गए, उनके ग्रुप को क्लाउड कह दिया। अब एक लिमिट के बाद जब ये आकार बड़ा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो उसको आप प्रेसिपिटेशन कहोगे। तो आप कहोगे सर रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन में क्या अंतर है, मैं ये कहूंगा प्रेसिपिटेशन का ही एक फॉर्म है रेनफॉल। मतलब सर यार स्नोफॉल भी तो हो सकता है ना, हेल स्ट्रॉम मतलब जो बड़े बड़े ओले होते हैं वो भी तो गिर रहे हैं, तो सब जो चीज ऊपर से नीचे आ रही है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, ऊपर से जो नीचे आ रही है ये इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब यदि वो पानी के फॉर्म में आ रही तो रेनफॉल बोल दोगे, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में आ रही तो स्नोफॉल कह दोगे, बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स में आ रही तो आप हेल स्ट्रॉम कह दोगे। आफ्टर ऑल जो भी चीज ऊपर से आ रही है मतलब रेनफॉल स्नोफॉल ये प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत आता है, एक ब्रॉड वर्ड है प्रेसिपिटेशन। अब जो चीज आएगी जो स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख देंगे आप। आगे बात समझ में, तो एक समय के बाद ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत भारी हो जाते हैं और फिर जो है नीचे आ जाते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन वर्षन जिसको हिंदी में कहते हैं वर्षन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। अब प्रेसिपिटेशन में भी क्या है, जो कि लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पानी की बूंद में आ जाए, तो उसको आप रेनफॉल कहने लगते हो, ऐसा प्रेसिपिटेशन जो पानी की बूंद के रूप में आ रहा है। अब समझ में आ गई बात, तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इसमें यही बात है कि आपको प्लांट्स को प्रिजर्व करने चाहिए, क्योंकि अब ये यही पानी जो है स्लोप में गिरेगा तो सॉइल इरोजन करेगा, किसी ढाल पर गिर गया तेजी से बहेगा, पेड़ नहीं होंगे तो वो तो पूरा मिट्टी को जो है बहा ले जाएगा। तो वही चीज कहते हैं कि भाई मिट्टी के अनुसार जो है आपको पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। फिर वो कहता है कि प्रेसिपिटेशन जो होता है ये भी तीन प्रकार से होता है। ये तीन इमेजेस आपको बहुत काम आएंगे सर, ये बहुत सिंपल है लेकिन आगे बहुत ही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वो ये कहता है कि बारिश तीन प्रकार से हो सकती है। बारिश तीन प्रकार से हो सकती है मतलब क्या, एक कन्वेक्शनल जिसको कहते हैं संवहनीय वर्षा, संवहन, एक पर्वतीय वर्षा और एक चक्रवाती वर्षा। इसको समझने के लिए सारी थ्योरी अलग और मेरा एक सेंटेंस अलग, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, सुन लीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। हवा जितने प्रकार से ऊपर उठेगी उतनी तरह से बारिश होगी। आई रिपीट द स्टेटमेंट, हवा जितने प्रकार से ऊपर उठेगी, फील इट, हवा जितने प्रकार से ऊपर उठेगी उतने प्रकार से बारिश होगी। क्यों सर? पहला केस, सूर्य की गर्मी से जो भी वेपर वगैरह बनने थे बिल्कुल ज्यादा इंटेंस गर्मी के बाद हवा बिल्कुल सीधे ऊपर उठ गई, तो ये कन्वेक्शन हुआ, संवहन हुआ, गर्मी के कारण सीधे ऊपर उठ गई, क्लाउड बन गए, बारिश हो गई। एक तरीका ये हो गया, इक्वेटर के एरिया में ज्यादातर देखने को मिलता है आपको क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, विंड चल रही है और सामने पर्वत आ गए, अब टकरा गए ना, इसमें टकरा के अंदर तो नहीं जाएगी, उठ गई। देखो आप यहां पर भी तो दूसरे प्रकार से उठ रही है। दोनों में चीजें ये हैं कि हवा ऊपर उठ रही है बट तरीके अलग अलग हैं। एक सनलाइट के कारण, ऐसे गर्मी के कारण हो रहा है, इंसुलेशन के कारण हो रहा है, एक बैरियर पर्वत के कारण हो रहा है, ओरोग्राफिक रेन। अब फिर क्या होगा, हवा ऊपर उठेगी वही कंडेंस होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, यहां तो हो नहीं पाएगा, दूसरी साइड जो बारिश होनी थी एक ही साइड हो गई, तो ये रेन शेडो बन गए। एंड द थर्ड फॉर्म जो कि बहुत ही ज्यादा काम का होने वाला आगे आने वाली क्लासेस में, क्या दो अलग अलग हवा के क्षेत्र हैं, एक ठंडी हवा और एक गर्म हवा। आपको पता है ठंडी हवा भारी होती है, वो यहीं रह गई, वो कहीं गई नहीं, लेकिन सामने जब वार्म एयर आके टकराई तो वार्म को मजबूरी में ऊपर उठना पड़ा, ठंडी हवा तो कहीं जा नहीं पा रही ना, तो वार्म एयर ऊपर उठ जाएगी। तो देखो बिना कोई पर्वत के, बिना कोई गर्मी के भी हवा ऊपर उठ सकती है यदि सामने ठंडी हवा आ जाए, वायु राशि जो है ठंडी वाली आ जाए, शीत वायु राशि। तो कई बार ऐसे टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल हमें देखने को मिल जाते हैं, बट नो डाउट आप इन चीजों को सिर्फ नॉर्मली ऐसे समझ लीजिए कि तीन प्रकार की बारिश, एक कन्वेक्शनल सन की सूर्य की गर्मी के कारण, पर्वतों के कारण जो है एक दूसरी हो रही है, और तीसरी जो है दो अलग अलग हवाओं के क्षेत्रों के मिलने से टकराने से हो रही है। कॉमन बात याद रखो, मेरा स्टेटमेंट याद रखो,
हवा जितने प्रकार से ऊपर उठेगी उतने प्रकार से बारिश, तीन प्रकार से उठ रही है, तीन प्रकार की बारिश, साइक्लोनिक, ये और ये, ठीक है। खैर ठीक है, आगे हम लोग इसमें बहुत डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा बेसिक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ओके, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोगों को, उम्मीद कर रहा हूँ यार। ये टॉपिक जो भी क्लास सेवेंथ के एनसीईआरटी में जितना दिया है उसको मैं बेहतर आपको समझा पाया हूँ। और जब भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जी हाँ, नए बैचेस जो प्रारंभ हो रहे हैं उसमें आप इस डिस्काउंट कोड का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, जी हाँ, SGYT10। और वीडियो को जरूर लाइक कर जाइएगा, जी हाँ, SGYT10 का इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, ये सब्सक्रिप्शन में फ्री मिलने वाली है आपको, जिसमें 80 टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।